हर कार जो इमरान खान निकलेगा, हर कार जी एक नहीं निकलेगा, सारे निकलेंगे, खान पूरे पाकिस्तान उड़ाएगा अंदर करके। सिंध भी हर गए हो सुनियो, बलोचिस्तान भी हर गए हो। जब हुकूमत जाएगी तो ये सारी जो कार्रवाई हुई है ये इन पे पड़ेगी। और दूसरी चीज, स्टैब्लिशमेंट का ग्राफ ऊंचा होता जाएगा, खिचड़ी पकी है। वो कहते हैं कि इन्होंने इमरान खान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मक्कू ठप दिया है, इमरान खान सर नहीं उठा सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रॉयल इंटरनेशनल फार्मास्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट, सीनियर माहिर कानून, आपके बड़े फेवरेट एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लोग परेशान हैं सिर्फ एक शख्स के लिए, और वो शख्स है इमरान खान। हम अपने दफ्तर से घर आ रहे होते हैं, रास्ते में सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, तंदूर वाले, वो लोग जो हमें जानते हैं या जिनसे हमारा वास्ता पड़ रहा होता है, उनका एक ही सवाल होता है कि खान किन्हों आ रहे हैं। तो खान साहब, यही बुनियादी सवाल है, इमरान खान साहब जो हैं वो कब रिहा होंगे, कब बाहर निकलेंगे, कितनी मजीद आजमाइशें जो हैं वो कप्तान की बाकी हैं, कितने मजीद केसेस में उसने अरेस्ट होना है, ये नाजरीन को जरा तफसील के साथ आज बताएं ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि चल क्या रहा है और उनका कप्तान कब आएगा। देखिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बात यह कि याद होगा मैंने कहा था पिछले महीने कि जी ये टाइम अच्छा नहीं है, खान को बचना है ये एक हफ्ता, और आपने पूरे कहा था मुश्किल तरीन हफ्ते का, और मैंने ये कहा था ये निचली कोर्ट से फैसला गलत आएगा खान के खिलाफ, और ये भी मैंने कहा था कि 3 साल कैद और 1 लाख नहीं कहा था, मैंने कहा और जुर्माना भी होगा जी, हो सकता है, और वैसा हुआ जी। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि खान को फौरी हाईकोर्ट भागे, ठीक है चलो वो चले गए। उसके बाद अभी जो करंटली सिचुएशन है, जो मैं समझता हूं, अब देखो मैं वकील भी हूं लेकिन मुझे पता है कि कहां क्या गलतियां हो रही हैं, क्या जानबूझ के किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं, लेकिन मैं इसको क्या तफसील से बताऊं और कौन कर रहा है। ठीक है चले, खैर बात यह है कि अभी जो थी कोई बेल हुई है खान, बेल कैंसिल रिजेक्ट हुई है, अलकादर में हो गई आज, अच्छा 9 मई के हवाले से 7 केसेस में आज हो गई, अच्छा रिजेक्ट हुई है जी। अच्छा वो क्यों रिजेक्ट हुई है, इसका मकसद, दायरे कानूनदान भी हूं, जफर को भी जानता हूं, कि जैसे ही खान की तोशा खानों में बेल होगी तो साथ ही उसको दूसरी गिरफ्तारी डाल दी जाए। ठीक है बिल्कुल, ये बात मैं शुरू से कर रहा हूं, तोशा के बाद ये अलकादर में डाल सकते हैं, ठीक है ये मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था, और वो पेशन गोई पूरी हुई, गोकि मैं इस पेशन गोई से खुश नहीं हूं, क्योंकि साडा खान बब्बर शेर तुसी बंदक दिता है, वो इकबाल दा शहीन है, उन्हें निकलना भी है उच्ची बुलंद परवाज नाल, जड़ी मैं तुहानू पिछले प्रोग्राम च कहा सी कि समुंदर दे नाल होएगा। चले खैर, अभी मैंने एक बात और की थी थोड़े दिन पहले कि एक केस से बेल रिजेक्ट किया करेंगे, दूसरे पे जो है बेल दे दिया करेंगे, और पिछले में गिरफ्तारी किया करेंगे, ये प्रोसेस। मैंने फिर एक बात और बात की थी, मैं कहा जनिया मर्जिया पालो, FIR जो मर्जी कर लो, खान आ ही जाएगा, बिल्कुल ये बहुत भी प्रोसेस, 2 महीने तक खान को आएगा। यानी खान साहब आज 11 अगस्त है, इमरान खान को 7 दिन हो गए हैं वो अटक जेल के अंदर कैद हैं, आप दो की पेशन गोई कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं ये 2 महीने का प्रोसेस है, 2 महीने। अच्छा फिर आपने देखा कुछ मेला फाइडी भी नजर आई आपको कि जी खान साहब का वकालतनामा ही नहीं साइन हो रहा, बिल्कुल उनके वकील बेस को गुजारा गया, तो इस तरह ये पेचीदगियों में बचाएंगे, इस तरह की गेमें करेंगे, लेकिन गेमें कर ले उसमें 5-10 दिन और एक्शन ले जाए, खान ने तो आना ही है। अगर पूरा ही तरीके के साथ जैसे आप अप्लाई करो, केस लगा, नोटिस हुआ तो लो 2 महीने जो आ गया, थोड़ा और तुझे डिले कर लो, 10-15 दिन और कर लोगे, जाया कर लोगे, हफ्ता इतवार जाया कर लो, वो भी निकल दिया बाहर, क्योंकि वो ऑफिस टाइम वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हफ्ते इतवार को नहीं होती, वो भी आपको माइनस करने डेज, ठीक है। तो ये चीजें हैं खान साहब, इलेक्शन से पहले, अगले इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान बाहर होंगे, 100% होंगे, लिख लो साइन करा लो मेरे को, बिल्कुल ठीक है। खान साहब ने चाल गया है, चक्कर गया है कि ना हेल कर दिया खान, अभी तो एक झंडे की बात भी आने की, झंडा उठाना किसी ने जी,
अभी तो शाह महमूद कुरैशी साहब है, एक परवेज इलाही साहब है अंदर, और मैंने कहा था पूरे पाकिस्तान में चार ही परवेज हुए अब तक जिन्होंने नाम बनाए, परवेज इलाही भी अंदर। खैर वो आगे की बातें वो बताएंगे। मैं इमरान खान साहब के हवाले से करना चाह रहा हूं सवाल। लोग कहते हैं नून लीग ये दावा करती है और वो कहती है कि शहबाज शरीफ आए, पीडीएम और सारी 13 जमातों के भानमती का कुंभा ये हुकूमत बनी, खिचड़ी पकी है। वो कहते हैं कि इन्होंने इमरान खान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मक्कू ठप दिया है, इमरान खान सर नहीं उठा सकेगा। और सारी सर नजर आने में सर नहीं उठा सकेगा, और हर कार्य इमरान खान निकलेगा, हर कार्य एक नहीं निकलेगा, सारे निकलेंगे, सर ही सर नजर आएंगे। खान आते देखो इस्तकबाल दे भी देख पूरा ओवरसीज पाकिस्तानी तो मुल्क पाकिस्तान ए वोटर है, तुम यह सर नाओगे तो इमरान खान का सर बैठेगा ना, इमरान खान दे सर दिशान की आवाम है, सारिया पार्टियां जुड़ जाओ दोबारा 13 और पालो 26 बन के भी खान ना लड़ो, खान पूरे पाकिस्तान उड़ाएगा, उसी अंदर करके सिंध भी हर गए हो सुने हो, बलोचिस्तान भी हर गए हो, पहले दिन के पी के और पंजाब की गल्ला करता सी, लंबिया हो गई गल्ला। यदि पार्लियामानी बद गई खान साहब, पार्लियामानी सियासत के अंदर इमरान खान का आपकी गुफ्तगू से यही मैंने अखज किया कि जाहिर है खान जीतेगा, तो फिर जाहिर है अगर जीतेगा पीटीआई जीतेगी तो इमरान खान साहब, मतलब वो फिर बात तो वही हो जाती है ना, इमरान खान खुद वजीर आजम ना भी हुए तो फिर हुकूमत तो इमरान खान की उंगली के इशारे के बगैर नहीं चल रही होगी। दूसरी बात एक और बात होती है, गलत फहमी और भी है लोगों को जी, बात चल निकली है तो चलो बोलते हैं, मेरी एक अपनी कैलकुलेशन भी है और जफर को भी देखते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट होती है ना, एस्टैब्लिशमेंट हर किस्म के जो दायरे एस्टैब्लिशमेंट से खिलाते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट होती है ना हाथ उससे जोड़ती है जो अवाम में मकबूल हो, क्या हो मकबूल हो, कमजोर लीडर के साथ हाथ नहीं मिलाती। ये भी मैंने कहा था, मैं अब आपको जब ये हुकूमत जाएगी तो उल्टी गिनती दिखाऊंगा कैसे गिनी जाती है, आगे ये भी देखेंगे। खान साहब हमने देखा पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी का तकद्दस बुरे तरीके से पामाल हुआ, लोगों को उठाया जाता रहा, अरेस्ट किए जाते रहे, खवातीन को अरेस्ट किया जाता रहा, हिरासत में लिया जाता रहा। 9 मई का सानहा बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन वाकया है और उस पर हर पाकिस्तानी का दिल अफसरदा है। खान साहब लोग कहते हैं कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी ये दरअसल हुकूमत की कार्रवाइयां थी और जब हुकूमत चली जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो वाकईतन नजर आएगा कि वो न्यूट्रल है। ये मेरी पेशेंगोई थी, बल्कि मैं दोबारा कहता हूं, मैंने कहा था जब हुकूमत जाएगी तो ये सारी जो कार्रवाइयां हुई है ये इन पर पड़ेगी, और दूसरी चीज एस्टैब्लिशमेंट का ग्राफ ऊंचा होता जाएगा, अवाम भी दिल से मानेगी, ये चीज मेरी पेशेंगोई है, लिख ले। अब ये सारा जो पलंदा है जो एक्स गवर्नमेंट जो हो गई अब उसमें बढ़ जाएगा। खान साहब महंगाई की वजह से बहुत लोग तंग हैं, उन पिछली हुकूमत के ऊपर तो जाहिर है वो पलंदा भी पड़ना है, आटा चीनी तेल गैस हर चीज जो है वो महंगी हो गई, जीना हराम हो गया आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का। और वजीर आजम साहब जो हैं वो जो कुछ चंद चीजें अच्छी हुई हैं मुल्क के अंदर, वो हर जगह पर वजीर आजम का करारनामा मौजूद है कि ये आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका आइडिया था या उनकी मदद से ये बेहतर हुआ है, तो अगर चीजें सारी आर्मी चीफ ने ठीक की हैं तो शहबाज शरीफ साहब भी क्या करते रहे हैं? अच्छा पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं, देखिए ये जो है ना महंगाई का जो पलंदा है या जो जो तोक है, महंगाई का तोक पड़ गया है नून लीग के गले में। अब जो मैं समझता हूँ जफर से नून फुल फाइट के मूड में है कि हमारा वजीर आजम आए, हमारा स्पीकर आए, ठीक है, ताकि ये साल 6 महीने हुकूमत चलाए और महंगाई जो तोक हमने गले में पहन लिया है इससे हम बचें, फिर वो IMF वाली बात के वो सारी चीजें इससे वो बचना चाहते हैं। अब उधर अपने आप को जीरक सियासतदान जो हैं, जो सियासत की यूनिवर्सिटी कहते हैं अपने आप को, पार्लियामेंट में कहा था जनाब आसिफ जरदारी साहब, तो वो बच्चे तो नहीं है, उन्होंने भी अपने बेटे को लाना है वजीर आजम की दौड़ में, वो भी है ये हमारा बेटा है, तो अभी आइंदा आने वाले दिनों में लड़ाई शदीद है। इतनी आसानी से वजारत उज़्मा निगरान गवर्नमेंट की कुर्सी या रोटी नहीं खा सकेगा, नहीं खा सकती। खान साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, नाजरीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।